कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसके वो यादगार लम्हे जो इतिहास के पृष्ठ पर अंकित होने जा रहे हैं। ये हमारे जनपद कुशीनगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है, जो जनपद कुशीनगर को विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त पहचान प्रदान करने जा रहा है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कुशीनगर और इस क्षेत्र में स्थित बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य स्थलों की सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, ये पल यानी दिनांक 20 अक्टूबर सन 2021 दिन बुधवार, जब कुशीनगर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलने जा रही है, सादर नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल लम्हे को, जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजरगड़ाए है आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, धन्यवाद परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जिनकी कुशल नेतृत्व और आशीर्वाद के साथ ये पल ऐतिहासिक पल में तब्दील हुआ। और इसी के साथ लीजिए, प्रस्तुत है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बौद्ध स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। देश का हर हिस्सा, हर क्षेत्र आधुनिक और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जुड़े इस संकल्प के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को आजादी के अमृत काल में नई गति देने के लिए पीएम गति शक्ति की शुरुआत की गई है। देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार के रूप में भारत के एविएशन सेक्टर ने गत वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश में जहां 2014 में केवल 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं विगत 7 वर्षों में 62 नए हवाई अड्डे संचालित किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टीयर 3 शहरों में रहने वाला सामान्य जन भी हवाई यात्रा से देश विदेश से जुड़ गया है। भारत सरकार के इन अभूतपूर्व प्रयासों से उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है। उत्तर प्रदेश में उड़ान के अंतर्गत आगरा, हिंडन, कानपुर, बरेली और प्रयागराज हवाई अड्डे सेवा दे रहे हैं, तथा कुछ ही महीनों में अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मयूरपुर तथा श्रावस्ती में 5 और हवाई अड्डे यात्री सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे प्रदेश का हर भौगोलिक हिस्सा हवाई संपर्क से सीधा जुड़ जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार विश्व स्तरीय सड़क, रेल और हवाई संपर्क द्वारा बौद्ध सर्किट के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कुशीनगर की पावन भूमि, जहां पर 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। इससे देश और विदेश के, विशेष रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बौद्ध धर्मावलंबी और पर्यटक सुगमता से कुशीनगर की यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें पहले सीधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के अभाव में देश के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से होकर कुशीनगर आना पड़ता था। कुशीनगर हवाई अड्डे के संचालन से कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर के साथ साथ इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों जैसे सारनाथ, श्रावस्ती, संकीसा और लुम्बिनी जाना भी पर्यटकों के लिए आसान होगा। कुशीनगर हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए 3600 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल भवन का निर्माण मात्र 5 महीनों के रिकॉर्ड समय में किया गया है। इस टर्मिनल में एक समय में 300 यात्रियों के प्रबंधन की क्षमता है। इस हवाई अड्डे का रनवे एयरबस 321 एवं बोइंग 737 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए सक्षम है। कुशीनगर हवाई अड्डे के विकास से यहां के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही आसपास के जिलों की 2 करोड़ से अधिक आबादी को हवाई मार्ग से दुनिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यहां निवेश बढ़ेगा
और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा होंगे तथा लोकल उत्पादों का निर्यात संभव हो पाएगा। कुशीनगर हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से मात्र 5 किलोमीटर एवं निकटतम रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। आज का दिन ऐतिहासिक है जब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है।